हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बैगन और टमाटर से बना एक चटनी दिखाने जा रही हूँ। बैगन हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बैंगन और टमाटर से बना एक चटनी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं कैसे बनाती हूँ देखिए। दोस्तों, मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बैंगन को डालेंगे। अब हम इसमें तेल दे देंगे और उसको ढक लेंगे। अब हम इसमें तेल दे देंगे दोस्तों। ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है, बस मैंने 2 स्पून ही डाला। अब हम इसमें पानी कुछ भी नहीं देंगे। दो सूखा मिर्च को भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसको ढक लेंगे। बैंगन फ्राई होने के बाद हम टमाटर को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें और थोड़ा सा तेल दे देंगे। अब मैं इसको फिर से ढक लूंगी। तेल में ही बैगन फ्राई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बैगन अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं बैगन को और सूखा मिर्च को इसमें निकाल लेती हूँ। अब मैं टमाटर को इसमें डालूंगी। कुछ तेल दे देंगे। ढक लेंगे। 10 मिनट के बाद हमारा टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो चुका होगा। देखिए दोस्तों, टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए दोस्तों, मेरा टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए, अब मैं इसको भी
बैगन के इस थाली में निकाल लेती हूँ। ये ठंडा होने के बाद मैं इसमें इसकी इसमें जो प्याज काट के रखा था वो डाल के चटनी बनाऊंगी। ये वाटर राइस के साथ खाने में बहुत ही मजा आता है। देखिए दोस्तों, मैंने 1 स्पून नमक ले लिया है। अब मैं इसकी चटनी बनाऊंगी। जो मैंने काट के रखा था प्याज इसमें डाल देंगे, सूखा मिर्च भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसको ऐसे करके अच्छे से मिला लेंगे, टमाटर और बैंगन को एक साथ। देखिए दोस्तों, मेरे बैंगन और टमाटर की चटनी बन चुकी है। ये वाटर राइस के साथ खाने में बहुत ही मजा आता है। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों का कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।